यहाँ पे कुछ क्या आपको क्या कहूँ मैं, तमाशाई कहूँ, शायकीन के अलावा कुछ भी कह दे, कोर्ट के हाजरीन, कोर्ट के हाजरीन। फैसल कुरैशी साहब, आप हाथ उठा के हल्फ उठाएंगे कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर उसके अलावा भी कुछ कहूंगा तो सच कहूंगा और उसके लिए दोबारा हाथ उठाऊंगा। ये ऑन एयर चला जाएगा फिर? देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा तो सच कहूंगा। और मैं हूँ आपकी वकील सफाई। यार मुझे निकालो। पहचान लिया, पहचान लिया। वकील सफाई, आप सुबह आती हैं शाम में? इस वक्त तो यही भरू। अच्छा ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर जी। और सॉरी जज साहब, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फैसल कुरैशी साहब, आप पर इल्जाम ये है कि आपको जब पता चला कि बेबी को बेस पसंद है, हाँ, तो आप अपनी आवाज में बेस ले आए, यानी आप कोई काम अपनी मर्जी से पसंद से नहीं करते। नहीं नहीं, मेरी है आवाज में बेस, मैं बोलता नहीं हूँ, हमेशा से यूज करता है वो, वेरिएशन कहते हैं इसको, आवाज की वेरिएशन होती है ये। जी आपने कहा कि बेबी के कहने पर बेस लेकर आए। हाँ। नहीं नहीं, मेरे कहने पे बेस नहीं लाए थे, वो तो प्रोड्यूसर ने कहा था। मैं पहले ऐसा हूँ। फैसल कुरैशी साहब, आप पर इल्जाम है कि जब आप लाहौर में थे तो पक्के लाहौरी थे, खुल के खाते थे, खुल के हंसते थे, खुल के खेलते थे, कराची आकर आप खुल के कमाने पर लग गए। क्या करें यार, मुकाबला इतना सख्त हो गया भाई, अगर खुल के खाते रहते तो वो वही वाली बात, फुटबॉल नजर ना आता फिर। जी मेरी सफाई में क्या कहेंगी आप? मैं इस बात से कहूंगी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ। मेरे क्लाइंट जितने कामयाब हैं, इनके पीछे एक औरत का हाथ नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सारी औरतों की कामयाबी में मेरा हाथ हो सकता है। वाह वाह वाह, इशारा दे रहे हैं आप। वैसे हर कामयाब मर्द के पीछे औरत होती है, तो फिर आपके पीछे एजाज असलम ही क्यों? नहीं, एजाज मेरे साथ है क्योंकि मेरा भाई है, बहुत सारी चीज़ों में मेरा साथ देता है, और बकायदा जिसे कहते हैं वो एक एक बड़ा भाई होने का पूरा फर्ज निभाता है मेरे साथ। ये मैंने बिल्कुल सच बोला। He's a lovable, he's a lovable person, no doubt about it. आप पर इल्जाम ये है कि आप पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि मॉर्निंग शो भी कर लेंगे। भाई देखो, ये हकीकत है, कोई और जरिया मुआश तो है नहीं, तो पैसे के लिए कुछ भी अगर करना होता तो शायद जाके मैं हिंदुस्तान भी काम कर लेता, लेकिन कहीं कहीं कुछ मार्जिन है, और अगर आपने मेरे मॉर्निंग शोज देखे होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर लूंगा। दैट इज ऑल माई लॉर्ड। अब हमें उम्मीद है कि आप उन्हें कैद की सजा सुनाएंगे। आप अदालत से ये उम्मीद रख रहे हैं कि हम इनको कैद की सजा सुनाएं, तो आपको पता है कि इनको सजा सुना दी तो इन्होंने कैदी का रोल इतना अच्छा करना है कि इसी अदालत ने इनको अवार्ड दे रहे हो। वाह वाह। और फिर इतना बड़ा एक्टर अगर मॉर्निंग शो कर रहा हो तो उसे देखकर तो यही लगता है कि इनको तो पहले ही सजा मिल चुकी है। तो इसलिए हम अपने मुल्क के इस टैलेंट की कदर करते हुए इसको बाइज्जत बरी करते हैं, और अदालत ने चूंकि हर किसी को बरी करना होता है इसलिए उन्होंने अपना फैसला लिख के उसकी फोटोस्टेट करवा ली हुई है।